नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल में यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप मामले के खिलाफ विभिन्न संगठन एकजुट होने लगे हैं। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी ने लघु सचिवालय के प्रांगण में रोष प्रदर्शन किया, साथ ही जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र राठी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, परंतु बेटियों की सुरक्षा करने में बिल्कुल नाकामयाब है। इसका जीता जागता उदाहरण यूपी के हाथरस में हुआ गैंगरेप है, जिसमें दलित युवती को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप करना, उसकी जीप काट देना एवं रीढ़ की हड्डी तोड़ देना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इसी अवसर पर उन्होंने यूपी पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी मृत व्यक्ति के शरीर का दाह संस्कार रात के समय नहीं हो सकता, परंतु यूपी पुलिस एवं सरकार की मिली भगत से दलित युवती के शव को रात को ही जलाया गया, जो बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हाथरस में हुए गैंगरेप मामले में पीड़ित लड़की के परिजनों के साथ है और इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। इस अवसर पर उनके साथ बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार ने जब ये सत्ता में आई थी तो इसने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक जुमला निकला और ये साबित हो चुका है कि ये नारे झूठे थे। ये झूठ बोलकर सत्ता में आए और आज पूरे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यही हाल यूपी का आपने देख लिया, मनीषा के साथ जो कुछ हुआ, और हरियाणा में भी यही हो रहा है। तो हम इस मनीषा के हत्यारों को फांसी पे चढ़े देखना चाहते हैं, यही हमारी मांग है। आज किसे मिलने आए हो? आज हम उपायुक्त महोदय को ये ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति जी के नाम। सर, यूपी में पुलिस ने देर रात उनका संस्कार कर दिया, क्या उचित था? यह हिंदू धर्म के विरुद्ध है। हिंदू संस्कृति में दिन छिपने के बाद मुर्दे को नहीं जलाया जाता। ये तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी नाकामी है पुलिस की? ये पुलिस की नाकामी नहीं है, बल्कि ये शरारत है। कुछ ना कुछ छुपाया, राजनीतिक लोग और पुलिस मिली हुई है, तथ्यों को छुपाने के लिए ये सब किया गया। मैं बलबीर नरवाल, सिंहजा के भारतीय किसान यूनियन हरियाणा प्रदेश। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, अगर ये अपना हाथरस वाला केस सॉल्व नहीं हुआ, उनको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया, तो इस प्रकार के कठुआ कांड, उन्नाव कांड और जो निर्भया कांड था अपना दिल्ली वाला, वो इस प्रकार के दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। और जो इस प्रकार का घिनौना काम किया उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने, कि उसकी माँ को, उनके परिजनों को उसका मुख तक नहीं देखने दिया, क्या दर्शाना चाहती है सरकार? हिंदू संस्कृति के खिलाफ सूर्यास्त के बाद कभी भी मुर्दे को नहीं जलाया जाता, और इस निकम्मी सरकार ने, इस गूंगी बैरी सरकार ने, इस लोकतांत्रिक सरकार ने इस देश का भट्टा गोल कर दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया। हम इस लोकतांत्रिक जिंदा रखने के लिए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं और इस आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये बंद करो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, बंद करो ये भाई हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बंद करो ये सब पुलिस और वो अपना प्रशासन कार्रवाई, सब बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। या तो एक्शन लो और नहीं तो ये आक्रोश सारे भारत में फैलेगा, ये हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से वादा करते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।